फिट डे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के आतिथ्य में छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का शुभारंभ होटल ग्रैंड इंपीरिया में हुआ। इस मौके पर चेस संघ के अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह सिंघानिया, महासचिव विनोद राठी भी मौजूद थे। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर ने छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपीरिया में बीती शाम सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का औपचारिक शुभारंभ फीडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान, महापौर एजाज ढेबर, विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने राघवेंद्र सिंह सिंघानिया, महासचिव विनोद राठी की मौजूदगी में किया। इस मौके पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 35 लाख रुपए के इस इनामी ट्रॉफी जो 19 से 28 सितंबर तक चल रहा है, इसमें 20 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ी और 100 से अधिक अनुभवी मास्टर्स भाग ले रहे हैं। शुभारंभ के मौके पर महापौर एजाज ढेबर ने इस टूर्नामेंट के लिए 11 लाख देने की घोषणा की। फीडे एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भरत सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के चेस खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया है, फील्ड बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। मेरी शुभकामनाएँ हैं छत्तीसगढ़ चेस एसोसिएशन को, और इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं तो सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसके बारे में सिर्फ ओलंपियाड के बाद में सोचा गया, और इतने कम समय में अच्छा आयोजन हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखिए, 20 ग्रैंड मास्टर, 15 इंटरनेशनल मास्टर्स और मास्टर, इस तरह 70 प्लेयर ये हैं, और बी कैटेगरी में हमारे पास 500 प्लेयर हैं। तो टोटल 570 प्लेयर हमारी राजधानी में पहुँच चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नाम पर ये ट्रॉफी रखी गई है, और उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आपने देखा होगा सुपर सीरीज, उसके बाद बॉक्सिंग, उसके बाद ये आप बड़ा टूर्नामेंट देख रहे हैं ग्रैंड मास्टर। और ये निस्संदेह छत्तीसगढ़ में खेलों की बहार, जो मैं कहता हूँ कि खेल का विकास यदि हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है, और उन्होंने अपनी सहमति दी, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज उद्घाटन हुआ। और विदेशों से आए खिलाड़ियों ने विशेषकर यहाँ की हॉस्पिटलिटी को बहुत सराहा है, और पूरी टीम लगी हुई है। विनोद राठी जी, भरत सिंह चौहान जी जो फीडे के चेयरमैन हो, विशेष रूप से आज यहाँ पहुँचे थे, जिनके मार्गदर्शन में इस शहर के महापौर कुलदीप जुनेजा, इस शहर के महापौर एजाज ढेबर जी और विधायक कुलदीप जुनेजा जी विशेष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, मैं सभी का आभार हूँ। 22 साल बाद छत्तीसगढ़ में हो रही यह स्पर्धा 19 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगी। इसमें 20 देशों के 500 से अधिक खिलाड़ियों के साथ 100 से अधिक अनुभवी मास्टर्स अपना जलवा दिखाएंगे। इसमें रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अमेरिका, मंगोलिया, पोलैंड, वियतनाम, कोलंबिया, ईरान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नेपाल सहित अन्य देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को 35 लाख की इनामी राशि वितरित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।